नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार छोड़कर, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज मेरे सामने जो पौधा आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आपको पता भी चल गया कि ये कुलियस प्लांट है, तो कितना अच्छा है, कैसे इसको इतना अच्छा बुशी बनाया, ये कैसे इसको केयर करना चाहिए ताकि ये इतना ज़्यादा हेल्दी बने और बुशी भी बने, तो इसके ऊपर जो है मैं पूरा आज जानकारी दूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत उसको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों पहले जो है थोड़ा सा देख लीजिए कि कितना अच्छा, कितना बुशी और कितना हेल्दी जो कोलियस है, आप नहीं देखने से आपको मतलब पता नहीं चलेगा। तो देखिए ये इसका जो हाइट है कम से कम 3.5 फीट से लेकर 4 फीट तक है इसका हाइट। तो ये तो आप इसको जो है ऐसे ही मतलब हेल्दी बना सकते हैं अगर कुछ चीज़ों पे आप अगर ध्यान देंगे तो। तो दोस्तों चलिए मैं एक एक करके उस चीज़ को बताऊंगा, उस केयर को मैं बताऊंगा कैसे मैंने इसको केयर किया और आगे भी कैसे इसको केयर करना है, तो इसका जो पूरा जानकारी है मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों पहला जो है इसका सॉइल की मैं बात करूँ, जो अब इसको कटिंग्स मैंने डाला था, तो इस सॉइल में जो है केवल जो है ऑर्गेनिक मैटर्स मैंने इसमें यूज़ किया था। इसका जो सॉइल मिक्सचर है जब मैंने इसको कटिंग्स डाला था तो अब इसमें जो है ये 40% जो है ये सॉइल है, देन 40% जो है काउडंग मैन्योर एंड वर्मी कंपोस्ट मिक्स है, एंड 20% जो है इसमें सैंड है। तो दोस्तों इसी जो ऑर्गेनिक मैटर्स इसमें भरपूर है, साथ में जो है नीमखली देन फंगीसाइड्स भी थोड़ा सा ऐड किया था, तो इसको मिक्स करके मैंने पहले जो है ये कटिंग्स मैंने इसमें डाला था। तो फिर मैंने इसको जो है शुरू से जो है इसको बुशी बनाने के लिए पिंचिंग स्टार्ट कर दिया। जब भी मतलब 2-3 इंच का जो है जैसे ब्रांच होता था तो उसका जो ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं इसमें पिंचिंग मतलब उसका जो हेड है उसको पिंच कर देता था। तो ऐसी पिंचिंग से ही मतलब जो है आप इसको इतना बुशी बना सकते हैं। तो दूसरा केयर जो है दोस्तों इसका वाटरिंग का, ये वाटरिंग का विशेष मतलब इसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये इतना बड़ा प्लांट जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसका वाटर रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसको जो है मैंने सुबह शाम दोनों टाइम ही मतलब जो है इसको मॉइस्चर पिंटन रखने के लिए वाटरिंग कर रहा हूँ। अभी भी मतलब जो है ये जो मॉइस्चर जो है इसको मेंटेन रखना है, बारिश नहीं होगा तो फिर आपको इसका जो है वाटरिंग का ध्यान देना पड़ेगा। अगर दोनों टाइम अगर इसको वाटरिंग करना है तो आपको वाटरिंग करना पड़ेगा टू जस्ट टू मेंटेन जो मॉइस्चर इन द सॉइल। तो चलिए नेक्स्ट जो है दोस्तों इसको फर्टिलाइज़र की मैं बात करूँ। कंपोस्ट मैंने जब शुरू में मैंने तो यूज़ किया था, उसके बाद जो है NPK 15 15 15 वो मैंने यूज़ किया। ये जो है 10 इंच वाला गमला आप देख रहे हैं, ये 10 इंच गमले में जो है 2 बार मैंने इसको यूज़ किया NPK 15 15 15, 7 से 8 दाना जो है मैंने पानी में घोल के इसको इस्तेमाल किया। तो उसी में जो है इसका आप देख रहे हैं ये जो हेल्थ है ये बहुत ही अच्छा मतलब इसका ग्रोथ हुआ और बहुत ही अच्छी मतलब जो है इसका जो ये भी बुशी भी बन रहा है। तो दोस्तों बुशी बनाने के लिए सिर्फ मतलब फर्टिलाइज़र काफ़ी नहीं है, आपको जो है इसको पिंचिंग बहुत ज़रूरी है इसको बुशी बनाने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए जो सनलाइट है ये सन लवर है, तो इसको मतलब सन में रखना है, फुल सन जो है इसके लिए चाहिए, धूप में इसको धूप इसके लिए बहुत अच्छा है, धूप मिलेगा तो ये जो इसका जो कलर है ये कलर भी बहुत मतलब ब्राइट होता है और बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा धूप होता है तो थोड़ा बहुत इसको शेड मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अदरवाइज़ ये फुल सन में रहेगा तो ये अच्छा ग्रोथ करता है और इसका कलर भी अच्छा होता है। तो दोस्तों ये जो इसके पीछे जो मैंने केयर किया और आगे भी जो है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये देखिए लास्ट मैंने पिंचिंग किया 2-3-4 दिन पहले, तो इसके बाद जो है ये फिर दोबारा मतलब एक पिंचिंग में मतलब दो ब्रांचेस निकल गया, और फिर जो ये 2-3 इंच का होगा तो फिर मैंने इसको पिंचिंग कर दूंगा। तो ऐसे ही देखिए आप हर मतलब ब्रांच को मैं पिंचिंग करता हूँ, मतलब एवरी जैसे ये ब्रांच 2.5 से 3 इंच जैसे हो जाता है तो फिर मैं पिंच करता हूँ। तो देखिए हर ब्रांच में आपको मिलेगा, देखिए ये देखिए ये हर ब्रांच को मैंने पिंच करता हूँ इसको बुशी बनाने के लिए। तो ये मतलब क्या ना आपको बिल्कुल केयर रखना पड़ेगा, इसको बुशी बनाने के लिए आपको पिंचिंग ज़रूरी है, और इसको हेल्थ के लिए जो मैंने बोला कि महीने में जो है कम से कम एक बार जो NPK 15 15 15 उसको मैंने 2 बार इसको यूज़ किया करीबन 2.5 महीना में,
तो उसके बाद जो है इसका रिजल्ट है वो आपके सामने है। तो ये एक जायंट कोलियस बन गया, बहुत ही तगड़ा। आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया, कितना मतलब इसका जो गुलाई है आप देख रहे हैं, और कितना हाइट भी बना है, तो बहुत अच्छा हेल्दी और देखने में भी अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा बुशी मतलब जो है ये बन गया। तो दोस्तों ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब ये इसका जो पत, इसका जो लीव्स है, इसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। ये फूलों का अल्टरनेट है, अगर गार्डन में फूल नहीं है तो फिर इसके इसको जो है ये फूलों का सब्स्टिट्यूट है, ये फूलों का कमी को महसूस नहीं होने देते हैं और गार्डन का जो लुक्स है वो भी बढ़ाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपको दिया, कैसे इसको बूशी बनाना है, कैसे इसका हेल्दी रखना है और कैसे इसको केयर करना है, तो फिर ये जानकारी आपको अगर अच्छा लगा तो ज़रूर, और ये जो प्लांट है इसको देख के भी अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।